हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने रेड हैट 9 के अंदर आप अपने कैश मेमोरी को क्लियर कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, कैसे आप अपनी बफर मेमोरी को क्लीन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि अगर आप कैश मेमोरी को क्लीन करते हो तो उसका आपके सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं अपनी कैशे को लिनक्स के अंदर। मोस्टली लिनक्स के अंदर मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका रेड हैट हो, चाहे आपका कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहां पर भी ये काम करता है। रेड हैट के भी मोस्टली वर्जन के अंदर आपका रेड हैट 9, 8, 7, 6 इन सब में ये काम करता है तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब हमें यहाँ पर क्लीन करना है तो क्लीन करने के लिए आपको, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा जो लिनक्स सिस्टम है वहां पर आपकी कोई प्रोसेस या कोई सर्विस इंटरप्ट ना हो और आप अपनी कैश मेमोरी को क्लीन कर सको, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस है। सबसे पहला है कि आप अपनी जो है पेज कैशे को क्लीन कर सकते हो। पेज कैशे मींस क्या है कि यहाँ पर जब भी आप वर्क कर रहे होते हो अपने सिस्टम पे, तो वर्क करते टाइम आपका क्या होता है, कुछ पेजेस जो है वो इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। यानी कुछ पेजेस क्या है जिनपे आप वर्क कर रहे हो, बट कुछ पेजेस क्या है वो आपके इनएक्टिव कंडीशन में, जिन्हें पेज कैशे कहते हैं, जो इनएक्टिव कंडीशन में आप उसे क्लियर कर सकते हो, तो उससे आपकी किसी भी रनिंग प्रोसेस या रनिंग आपकी सर्विस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर डेंट्रीज या फिर आईनोड को क्लीन कर सकते हो। और तीसरा, आप यहाँ पर तीनों को क्लीन कर सकते हो, मीन्स पेज कैशे, डेंट्रीज, आईनोड, ये तीनों को हम यहाँ पर क्लीन कर सकते हो। तो इन तीनों का बारे में अगर हम थोड़ा सा समझे, जो पेज कैशे, डेंट्रीज, आईनोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझे, तो देखो यहाँ समझ सकते हो, यहाँ मैंने सबको डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया है? आईनोड एक्चुअल में क्या होता है, आईनोड इज योर कॉन्टेक्स्ट, इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट अ फाइल। मतलब आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है आपका आईनोड, मीन्स आपकी जो फाइल की कैशे क्रिएट है वो क्या है, वो आईनोड है। ठीक है, दूसरा डेंट्रीज क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपकी कोई डायरेक्टरी ओपन हो रखी है, आप डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपकी कैशे क्रिएट हो रही है वो क्या है, वो आपकी डेंट्रीज है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर कुड बी यूज टू बिल्ड अ मेमोरी कैशे दैट रिप्रेजेंट द फाइल स्ट्रक्चर ऑन अ डिस्क। यही आपके सिस्टम में जो है एक मेमोरी कैशे को क्रिएट करता है ये स्ट्रक्चर, जो हमारा आई नोड है, डेंट्रीज है, जिससे आपके सिस्टम में आपके जो फाइल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है आपकी डिस्क के अंदर। टू गेट अ डायरेक्टली लिस्टिंग द ओएस कुड गो टू द डेंट्रीज। डायरेक्टली लिस्टिंग के लिए ओएस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रेड हैट, जैसे ही आप उसे लिस्ट करोगे तो वो डेंट्रीज के पास जाएगा। आपने सपोज कोई कमांड चाहिए ls space and the name of directory, तो वहां पे ओएस क्या करेगा, डेंट्रीज में जाएगा, वहां देखेगा इफ द डायरेक्टरी इज देयर, डायरेक्टरी अवेलेबल है, तो लिस्ट कर देगा आपके कंटेंट को, आपको शो करा देगा। इफ नॉट देयर, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट करेगा वहां पे आपका हो सकता है उसके अंदर और डायरेक्टरीज हो, मीन्स और डेंट्रीज हो, या उसके अंदर हो सकता है कि आपने वहां पर फाइल्स अवेलेबल हो, तो फाइल्स होगी तो क्या उसके आईनोड की सीरीज को आपको अवेलेबल करवाएगा। इफ नॉट देयर, अगर नहीं है तो गो टू डिस्क एंड रीड इट इन टू मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। तो वो क्या करेगा, फिर वो आपकी डिस्क के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा। अगर उसे रैम पे नहीं मिला तो वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में जाएगा और वहां से फिर उसे जो है आपकी रैम पर लोड कराएगा, और लोड कराने के बाद फिर आपको वहां पर शो कराएगा। ठीक है, ये तो हो गया डेंट्रीज। इसके बाद अगर पेज कैशे की बात करें तो पेज कैशे क्या है, कुड रिमेन एनी मेमोरी मैपिंग टू ब्लॉक ऑन डिस्क। मतलब आपकी जो डिस्क है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, उसके जो भी ब्लॉक्स हैं उन्हें मैप करा रहा है आपकी किसके साथ, जो आपकी रैम चल रही है उसके साथ में। दैट कुड कंसीवली बी बफर्ड इनपुट आउटपुट, जो आपकी इनपुट आउटपुट की बफर हो सकती है, मेमोरी मैप फाइल्स हो सकती है, मेमोरी में से जो फाइल मैप हो रखी है, पेज एरिया हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल एनीथिंग दैट ओएस कुड होल्ड इन मेमोरी फॉर अ फाइल। तो ये क्या करता है, आपका मेमोरी यानी रैम के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक फाइल की फॉर्मेट में, कैशे फाइल की फॉर्मेट में जो होल्ड करके रखता है, जो भी आपके इनपुट आउटपुट बफर्ड है, आपकी कोई मैप फाइल्स हैं, कोई पेज एरिया है, तो वो सारी चीजें। तो ये थे हमारे आईनोड, डेंट्रीज और पेज कैशे। तो इन्हें हम यहाँ पर आज के सेशन में देखेंगे कैसे हम इसे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं इसके लिए टर्मिनल पे, अपने सिस्टम पे, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्पेस देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कमांड होती है फ्री स्पेस हाइफन एच, करोगे आप, एच मीन्स आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए, यानी KB MB GB में। तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, मेरी जो मेमोरी है यानी मेरे यहाँ सिस्टम के अंदर जो रैम इस समय यूज हो रही है वो टोटल इतनी है, यूज इतनी हो रही है, फ्री इतनी है, शेयर्ड इतनी है, बफर कैशे इतनी है। ये जो बफर कैशे जो हम क्लीन करने वाले हैं वो यहाँ पर इतनी है मिलेगा। तो आपकी जितनी बफर कैशे क्लीन हो सकती है, मीन्स जो कि इस समय किसी भी प्रोसेस के साथ यूज नहीं हो रही, वो हम क्लीन करने वाले हैं। ठीक है, बाकी स्वैप में आप देखोगे, स्वैप इतना 4GB है मेरे सिस्टम में, यूज इतना हो रखा है, बाकी इतना फ्री। अब यहाँ पर आप क्या करोगे इसे क्लीन करने के,
तो आपको मैं सबसे पहले तीनों प्रोसेस दिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाता हूँ, आपको अगर सिर्फ पेज कैसे क्लीन करनी है, सिर्फ पेज कैसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिर्फ पेज कैसे क्लीन करने वाले हैं, पेज कैसे क्लीन, ठीक। तो पेज कैसे क्लीन करेंगे, कैसे करोगे, तो इसके लिए जो कमांड है यहाँ पर वो है सिंक। सिंक कमांड जो होती है यहाँ पर, सिंक कमांड का यूज होता है आपके फाइल सिस्टम बफर को फ्लश करने के लिए, मीन्स क्लीन करने के लिए, ठीक है। ये यूज करने के बाद अब इसके आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे आप ये सेमी कॉलन, जो यहां पर आपको सेमी कॉलन दिख रहा है ये क्या है, सेपरेटर है, ताकि हम इसके साथ में दूसरी कमांड को भी रन कर सकें। और दूसरी कमांड यहां पर जो हम रन करेंगे वो कौन सी करेंगे यहां पर, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर इको, इको एंड इको के बाद आपको यहाँ वन देना है। यहाँ पर देखो जो ये वन है, वन की जगह आप टू थ्री अभी आगे मैं बताऊंगा, बट वन का यूज क्या है पेज कैसे के लिए, वन एंड देन मैं वन को इसे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ किसके लिए, यहाँ पर इस फाइल के अंदर जहां से आपका जो है जो भी ड्रॉप कैशेस रहती है, मीन्स जो कैशे यूज नहीं हो रही, इनएक्टिव है, वो कैशे आपकी कहाँ रहती है, प्रॉक लोकेशन पर, प्रॉक के अंदर सिस और सिस के अंदर आपका वीएम एंड वीएम के अंदर रहता है आपका ड्रॉप कैशे नाम की फाइल। ये तो हम इस फाइल के कह रहे हैं अंदर की सारी एंट्रीज को हटा के इसे हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वन का यूज कर रहे हैं पेज कैशे को हटाने के लिए, ये सिर्फ पेज कैशे के एरिया को यहाँ पर क्लीन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्लीन हो चुका है, मैं दोबारा से अगर फ्री चेक करता हूँ कमांड को, तो आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास यहाँ 285 MB था, अभी हमारा कितना यहाँ पर यूज है 173, जो हमारा फ्री है वो यहाँ पर देखो इंक्रीज हो चुका है, इतना फ्री मेमोरी है मेरे पास अभी, इतना फ्री था, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पेज कैशे को क्लीन कर दिया। अब आप दूसरा अगर चाहते हो, आप डेंट्रीज और आई नोट इन्हें भी क्लीन करना चाहते हो, इन दोनों को क्लीन करना चाहते हो, तो आप इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप सेम कमांड चलाओगे, बस यहाँ पर जो इको है, इको में आप वन की जगह पर टू नंबर को यूज करोगे, जो यहाँ पर टू नंबर होता है वो किसके लिए, डेंट्रीज या आई नोट के लिए, मीन्स डेंट्रीज आई नोट जो है उन्हें भी ये क्लीन कर देगा बचे हुए। एंटर कर देता हूं मैं, इसके बाद मैं यहाँ पे फ्री करता हूँ, तो अभी फ्री में देखोगे तो मेरा और ज्यादा मेमोरी फ्री हो गया, यहाँ पे 160 MB फ्री है अभी, राइट, पहले इतना था, मीन सॉरी इतना जो है आपका यूज में रह गया, बाकी क्लीन हो गया, फ्री कितना रह गया ये, ठीक। तो हमने और ज्यादा क्लीन कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप तीनों चीजों को एक साथ करना चाहते हो, वैसे अभी आपको इफेक्ट मोस्टली दिखेगा नहीं क्योंकि अभी हम तीनों चीजें क्लीन कर चुके हैं, बट हाँ इन फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप तीनों चीजें करना चाहते हो इसके लिए आप इको थ्री का यूज कर सकते हो, आप ये जो इको थ्री है आप ये यूज करोगे तो इससे तीनों चीजें आपकी क्लीन हो जाएंगी, बट अभी हमें नहीं दिखा क्योंकि हम तीनों चीजें ऑलरेडी क्लीन कर चुके थे, तो हमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा, बट अदरवाइज आप एक ही कमांड चलाओगे थ्री की, तो इससे तीनों चीजें या एक ही कमांड से आपकी जो है वो क्लीन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आइडिया दूं आपको, प्रोडक्शन में जो यूज किया जाता है, प्रोडक्शन में आपको हमेशा रिकमेंडेड है कि आप इको वन का यूज करो, मीन्स पेज कैशे को आप क्लीन कर दो, कोई इशू नहीं, बट आप इसके अलावा इको टू या फिर इको थ्री, इको थ्री करोगे एक ही बार में तीनों चीजें, तो इको थ्री को तो आपको वहां पर रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप श्योर हो कि ठीक है आप क्या करने जा रहे हो, आप ये पहले से सोच के जा रहे हो कि हाँ मुझे इसकी जो आईनोड या डेंट्रीज है वो सब क्लीन करनी है, क्योंकि आईनोड और डेंट्रीज हमने क्या पढ़ा था, वो आपकी फाइल और डायरेक्टरीज के लिए रहते हैं, तो जो उसकी कैश फाइल्स है, तो आप वहां करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिस्टम की स्पीड है उस पर थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि दोबारा से वो सारी आपको डायरेक्टरीज और फाइल्स जो है वो लोड करनी पड़ेंगी रैम पर, तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकन लग जाए, तो इसलिए आपको रिकमेंडेड किया आप यहाँ पर इको वन करो, सेफेस्ट है। बाकी अगर आपको पता है ठीक है मुझे अभी सिस्टम पे ऐसा कुछ फाइल या डायरेक्टरीज के बीच में डील नहीं करनी है, दैट्स ओके, आप क्लीन कर सकते हैं, तो ये चीज पहले से आपको वहां पर ध्यान रखनी है। बाकी ये जो हमने कमांड चलाई इससे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो मेरा सिस्टम पे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सम केसेस में ये हो सकता है जैसे मैंने बताया डायरेक्टरीज या फाइल्स के केस में आपका सिस्टम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कुछ स्लो हो सकता है, कि थोड़ा सा आपका कुछ सेकंड के लिए कह सकते हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ मिनट या आर में हो, कुछ सेकंड के लिए, जैसे ही ये वापस लोड हो जाएगा आप वापस वर्क कर सकते हो, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, दैट्स सेफेस्ट। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो यहाँ पर स्वैप है, स्वैप को भी आपको फ्री करना है, स्वैप का स्पेस आपको मीन्स हटाना है, सारा जो भी स्वैप पे पेज लोडेड हो रखे हैं वो सारे हटाने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, स्वैप को पहले आपको ऑफ करना पड़ेगा देन ऑन करना पड़ेगा। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी आप प्रोडक्शन में इसका यूज कर रहे हो, तो वहां पर अगर आपका जो स्वैप का स्पेस है वहां पर आपकी इनएक्टिव पेजेस वगैरह काफी आपने ऑन कर रखे, तो समटाइम ये हो सकता है कि इनएक्टिव पेजेस जो है कुछ ना कुछ वहां पे क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। तो स्वाइप ऑफ हाइफन ए मीन्स ऑल, जो भी स्वाइप अवेलेबल है वो सारी यहाँ पर ऑफ हो जाए,
यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम देखो, हाँ ले लिया, ठीक है। स्वैप ऑन ऑफ हो गया। अभी अगर मैं फ्री हाइफन एच दिखाता हूँ, देखो 0-0 दिखा रहा है। मैं इसे स्वैप ऑन कर लेता हूँ, तो स्वैप ऑन एंड हाइफन है, ठीक है, स्वैप ऑन हो गया। आप फ्री हाइफन एच करता हूँ तो देखो यहाँ पर अभी 4G अवेलेबल है, बट फ्री हो चुका है सारा स्पेस, यहाँ पे अभी फ्री है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्री कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो डिलीट कर सकते हो और आप यहाँ पर वापस फ्री ला सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं वीडियो में। हमने इसमें आज के वीडियो में देखा कैसे आप अपनी कैशे को क्लीन कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर अपनी स्वैप को क्लीन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी टेक्निकल डाउट के लिए आप वहाँ मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।